इस सारे सफर में आपने कहा कि आपने भी कुछ मिस्टेक्स की, अगर आपके पास इफ यू हैव टू डू ऑल ओवर अगेन, क्या चीजें हैं जो अवॉइड करना पसंद करेंगे? आई थिंक मैंने शुरू में बहुत कम टाइम दिया था, जब स्विसमैन में मैंने फिर यू नो काफ़ी मैं फिर सीरियस हुआ था बिकॉज इट्स सीरियस. तो आई थिंक द स्टेज ऑफ माय लाइफ इज के आई डोंट वांट टू बी इन द टॉप टियर, राइट? अगर यही स्पोर्ट में इन माय टीन्स और लेट मिड ट्वेंटीज और इवन अर्ली थर्टीज में मैं डिस्कवर करता, आई वुड हैव ट्राइड टू यू नो बी इन द टॉप टियर एज अ ट्राइथलीट. आई थिंक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि मैंने लेट डिस्कवर किया, क्योंकि आई फील मोर कम्फर्टेबल इन डूइंग इट नाउ बिकॉज आई एम पेसिंग एंड रेसिंग अगेंस्ट माई ओन सेल्फ. सो आई थिंक वो मुझे एक तरह से मैं फील करता हूँ एडवांटेज है. तो इन अदर वर्ड्स यू नो इफ आई वुड हैव डिस्कवर्ड दिस स्पोर्ट बैक इन अगेन लेट ट्वेंटीज और थर्टीज, बट वो आइडियल नहीं थी बिकॉज यू नो आई हैड अ यंग फैमिली, वेरी यंग फैमिली बैक देन. सो सर्कमस्टांसिस यू नो दे डू हैपन फॉर अ रीजन, आइदर इट्स बाय एक्सीडेंट और बाय डिज़ाइन. बट इफ यू आस्क मी इफ आई हैड एनी आइदर रिग्रेट्स और इफ आई वुड डू थिंग्स डिफरेंटली, I don't think so. कोई और मैसेज इस सिलसिले में, इसी बात की कंटिन्यूटी में कुछ कहना चाह रहे थे, मेरे ख्याल मैंने इंटरप्ट कर दिया. नहीं, आई थिंक यू नो जो 2016 का स्विसमैन का था, यू नो हम उधर एक दिन पहले पहुंचे 17 में, यू नो ऑलमोस्ट एक हफ्ता पहले. तो उसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप एक्लाइमेटाइज हों, स्पेशली व्हेन यू गोइंग फॉर हाई एंड्योरिंग एक्सट्रीम इवेंट्स. सपोर्ट आपके साथ होनी चाहिए. यू नो आई वॉज लकी टू हैव माई फैमिली सपोर्टिंग मी ऑल अक्रॉस. स्टेक होल्डर्स अगेन बहुत ज़रूरी है. स्टेक होल्डर्स को आप मोटिवेट करके रखें, आप उनके साथ उनको अपडेट रखें कि भी प्रोग्रेशन किस तरह से हो रही है. अगर यू नो आपके आस पास वाले सिर्फ यही सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि आवाज़ आ रही है, कोई काम नज़र नहीं आ रहा, तो वो फिर समझ जाते हैं कि यार ये तो शोर मच रहा है, कोई काम हो नहीं रहा, फिर यू नो वह शोर ही मचता रहेगा. सो आई थिंक इफ यू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू व्हाट यू वांट टू डू एंड अचीव, यू कैन ऑलवेज अचीव द अनअचीवेबल.